हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। यदि आपने अपना पैन कार्ड बनवाया हुआ है या फिर आपकी फैमिली में किसी ने भी अपना पैन कार्ड बनवाया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 31 मार्च 2019 के बाद यदि किसी का भी पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं होगा तो उसका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा, यानी वो अपने पैन कार्ड का यूज कहीं पर भी नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि वो अपना पैन कार्ड के साथ आधार कार्ड को किस तरह लिंक कर सकते हैं। यदि आपको भी नहीं मालूम है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं, या फिर लिंक नहीं है तो किस तरीके से आपको लिंक करना है, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि आप कुछ ही सेकंड में अपने आधार कार्ड के साथ अपने पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। और यदि आपका आपको नहीं पता है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है, तो आप कुछ ही सेकंड में केवल एक क्लिक कर कर ये चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से, लैपटॉप या कंप्यूटर से ही, अपने घर पर बैठ कर कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। केवल आपको एक क्लिक करना है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपको अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करना है, या फिर आप किस तरीके से आपको चेक करना है कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर नीचे रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपका कोई सुझाव हो इस वीडियो को लेकर तो नीचे में कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं किस तरीके से हम अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं, वो भी अपने घर पर बैठ कर ही। या फिर आपने लिंक किया हुआ है तो किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक हुआ है या नहीं, या फिर पहले से लिंक है या नहीं। सबसे पहले आप जिसमें भी यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में, उसमें क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद गूगल पर चले जाएंगे। गूगल पर आपने गूगल के सर्च बॉक्स में आपने टाइप करना है ई फीलिंग। ई फीलिंग सर्च टाइप कर आपने इसे सर्च कर देना है। चलिए यहाँ से हम इसे सर्च कर देते हैं। जैसे ही हम इसे ई फीलिंग लिख कर सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो चलिए इसे ओपन यहाँ से कर लेते हैं। इसे ओपन करने के बाद यहाँ से इसे क्लोज कर दीजिए। तो जैसे इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर इसके आप होम पेज पर आ जाएंगे। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप सेकंड वाला ऑप्शन देख रहे हैं, लिंक आधार। ये आपको दिखाई दे रहा है लिंक आधार का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके आप होम पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसके आप होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने पैन नंबर इंटर करना है, तो आप अपना 10 डिजिट का यहाँ पर पैन नंबर इंटर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से पैन नंबर इंटर कर देते हैं। नीचे आपने अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। मैं ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिखकर दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये मेरा पैन नंबर नहीं है, ना ही मैं नीचे अपना आधार नंबर डालने वाला हूँ। खाली आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर अपना 12 अंकों का आधार नंबर इंटर कर देना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना आधार नंबर इंटर कर देंगे। उसके बाद नेम एस पर आधार पर टाइप कर देंगे यहाँ पर जो भी नेम है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे ऑप्शन है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, यानी कि यदि आपके पास जो आधार कार्ड है उसके अंदर केवल आपकी बर्थ है यानी पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो अगर आपके भी आधार कार्ड के ऊपर केवल साल लिखा हुआ है, सन लिखा हुआ है, तो आपने इसको क्लिक करके राइट कर देना है। उसके बाद आपने इसे आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स विद UIDAI वाले ऑप्शन को एग्री कर लेना है। तो इसे यहाँ से राइट कर देंगे। तो जैसे ही आप राइट करेंगे उसके बाद नीचे यहाँ पर जो भी आपको कैप्चा यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा, आपने सेम ये कैप्चा देखकर नीचे यहाँ पर टाइप कर देना है जैसा भी लिखा होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है NUQT9J, तो जैसा जैसा कैप्चा यहाँ पर लिखा होगा वो कैप्चा लिखकर आपने यहाँ पर लिख देना है इस बॉक्स में। अगर आप ओटीपी की रिक्वेस्ट चाहते हैं तो आप ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक कर कर, नहीं तो आप कैप्चा लिख देंगे। अगर आप कैप्चा नहीं टाइप कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपने अपना ओटीपी पर क्लिक कर कर ओटीपी मंगवा सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा, नहीं तो आप कैप्चा डालकर लिंक आधार पर क्लिक कर दीजिए।
तो जैसे ही आप लिंक आधार पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड का प्रोसेस पैन कार्ड के साथ लिंक होने के लिए भेज दिया जाएगा, यानी कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब यदि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ पहले ही लिंक है या फिर आपने रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट करी है पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए, तो आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हुआ है कि नहीं, या फिर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से पहले ही लिंक है, आप चेक करना चाहते हैं आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक है या नहीं, तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऊपर ही, तो क्लिक हेयर पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पैन नंबर मांगा जाएगा आपका, तो जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देता हूँ। पैन कार्ड का मैंने यहाँ पर नंबर एंटर कर दिया है अपने। नीचे अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर देना है, 12 डिजिट का, जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना ऊपर पैन कार्ड का नंबर एंटर कर दिया है और नीचे अपना आधार नंबर 12 अंकों का एंटर कर दिया है। उसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ से मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं योर पैन इज लिंक टू आधार नंबर, ये मेरा आधार नंबर यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि मेरा पैन कार्ड मेरे आधार कार्ड के साथ लिंक है, तो मुझे ये सबमिट रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यदि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, और आपने रिक्वेस्ट सेंड की हुई है तो आप अपना आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक हुआ है या नहीं हुआ है वो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि किसी का भी आपकी जानकारी में, आपके दोस्त का, आपके फैमिली मेंबर का आधार कार्ड पैन कार्ड बेकार ना हो, खराब ना हो, उसे बंद ना कर दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो अपने आधार कार्ड को, आप पैन कार्ड को, उनके आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक किस तरीके से आप करवा सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस के साथ। अगर उनका आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ लिंक है तो वो चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर आकर इनकी वेबसाइट पर पैन कार्ड की इस तरीके से। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।